तो भाइयों आज आपके सामने खड़ा है स्वराज 855 स्पेशल एडिशन। वैसे जो आपने इसकी जो है यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देख ली हुई, क्योंकि भाई मैं जो काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने जो इसकी वीडियो बनाने में, ना ही तो जो है स्पेशल एडिशन मिला और ना ही जो है शटल गियर वाला जो मॉडल आया ना 855, ना ही वो मॉडल मिला। कि भाई इनकी जो है ज़्यादा डिमांड नहीं थी, क्योंकि जो है ज़्यादा कुछ चेंजेस इंजन वगैरह के अंदर तो किए नहीं है, बस जो कलर वगैरह के अंदर ही किए हैं, तो वो जो है ज़्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में देखें क्या क्या इसके अंदर जो चेंजेस किया, इंजन के अंदर कोई बदलाव है या नहीं है, सबके ऊपर बात करें, प्राइस कितना कुछ बढ़ा है, कितने कुछ आपको जो ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे से आपको ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है, बस आपको जो सामने एक ही फ़र्क लगेगा वो है भाई इसका, ये यहाँ पर गोल्डन कलर की यहाँ पर आपको स्वराज की बैजिंग मिल जाती है, बाकी सब कुछ आपको जो पहले वाला ही लुक मिल जाता है, बस आपको जो है एड ऑन बस गोल्डन कलर ही लगेगा, बाकी भाई इंजन वही का वही है, सब कुछ वही का वही मिल जाता है, कोई भी बदलाव नहीं किया भाई। भाई 50 साल की सेलिब्रेशन पर भाई ये दे रहे हैं स्वराज वाले, हद कर दी है भाई। कुछ तो इंजन वगैरह के अंदर तो कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, चलो एक आध फीचर्स भी एड ऑन कर देते हैं, लेकिन भाई ये कलर एड ऑन किया है, चलो देखें कैसा कुछ लगता है ट्रैक्टर। बाकी आप जो देख सकते हैं रिम वगैरह यहाँ पर आपको जो है गोल्डन कलर के मिल जाते हैं। तो आगे बस यहाँ पर आपको ये चेंज मिलेगा, यहाँ पर आपको जो गोल्डन कलर के अंदर स्वराज की बैजिंग मिल जाती है, बाकी एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा मिल जाता है, 716 जो आपको फ्रंट वाले टायर मिल जाते हैं और रियर वाले आपको जो है 1628 के मिल जाते हैं। रिम आपको जो गोल्डन कलर के अंदर मिल जाते हैं इसके, और यहाँ पर आपको जो 3D के अंदर यहाँ पर आपको जो स्वराज की बैजिंग मिल जाती है, बाकी यहाँ पर आपको जो कलर वगैरह एड ऑन कर दिए हैं। यहाँ पर आपको जो 15 स्पीड हाई लो मीडियम की यहाँ पर आपको जो बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर रिवर्स PTO की बैजिंग, यहाँ पर आपको जो है ये कवरिंग वगैरह है ना ये गोल्डन कलर की कर दी है, बाकी साइलेंसर अभी भी ब्लैक कलर के अंदर है। 50 साल सेलिब्रेशन पर जो लॉन्च किया है भाई ट्रैक्टर, बाकी कोई भी बदलाव नहीं किया है, बस आपको जो है यहाँ पर कलर के अंदर ही डिफरेंट मिलेगा ट्रैक्टर, बाकी आपको जो सब कुछ सेम ही मिल जाता है। और भाई प्राइस बढ़ाने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए कंपनी को, बाकी यहाँ पर आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी पहले वाली भी मिल जाती है 2000 kg, बाकी 45 HP की PTO पावर मिल जाती है, यहाँ पर ये फीचर मिल जाता है आपको ऊंचे नीचे करने के लिए लिफ्टिंग को, डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको जो सेम मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो टूल बॉक्स मिल जाता है, रिफ्लेक्टर, और सामने जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, रोड के पास एजेंसी है तो आवाज़ भी आ सकती है, तो आवाज़ को इग्नोर कर देना भाई, ट्रैक्टर के ऊपर फोकस रखना। और बाकी सब कुछ आपको जो है 3 सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं, सब कुछ आपको जो सेम मिल जाता है, यहाँ पर ये सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर ये डंडा मिल जाता है, IPTO यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर LED इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैजिंग AC मिल जाती है और ये AC मिल जाती है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो आपको जो है बैटरी बॉक्स के अंदर ही जो है बैजिंग मिल जाती है इसकी, ये आपको रेड कलर के अंदर मिलेगी सिंपल मॉडल के अंदर, और ये आपको ऐसा कुछ जो मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो पावर स्टेरिंग का और लिफ्टिंग का पंप मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो हाइड्रोलिक फिल्टर मिल जाता है। अब खोल कर देखते हैं इसकी शो, तो यहाँ पर आपको जो है सिंगल जैक मिल जाता है, और यहाँ पर एयर क्लीनर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है और गोल्डन कलर का, बाकी 110 का बोर है, और स्टॉक की बात करें तो 122 का स्टॉक मिल जाता है, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर दे दिया, 3478 cc का यहाँ पर आपको जो इंजन यूज़ किया गया इसके अंदर, 50 HP कैटेगरी का इंजन है। यहाँ पर आपको जो डीजल फिल्टर मिल जाता है, वाटर स्प्रेटर मिल जाता है, बाकी भाई ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई पहले वाली फीचर है, कोई भी एड ऑन फीचर इसके अंदर नहीं किया है, बस गोल्डन कलर का इसके अंदर यूज़ किया गया है बस, और कुछ भी नहीं है, उसी का जो प्राइस बढ़ा दिया है। अब चलते हैं इसके ऊपर और ऊपर का लुक चेक कराता हूँ आपको, 1628 के टायर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो है 6 साल की वारंटी मिल जाती है, LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये गोल्डन कलर के ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। भाई अजीब सा ही कर दिया ट्रैक्टर को, ये थोड़ा बहुत कर देते हैं हर जगह गोल्डन गोल्डन, तो भाई ये कलर ही अजीब सा है। यहाँ पर आपको जो फुट स्टेप मिल जाता है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाती है हाई लो मीडियम, और यहाँ पर आपको जो PTO का लीवर मिल जाता है, बाकी स्पेस वगैरह आपको जो ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ, और ऊपर से ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है। एक चीज़ पसंद आई भाई, बस ये टेप अच्छी लगी है ट्रैक्टर के बोनेट के ऊपर, बाकी तो ठीक है, बस शो के ऊपर ये थोड़ा जच रहा है। स्वराज की बैजिंग मिल जाती है आपको सामने, यहाँ पर मिरर मिल जाता है, और क्लस्टर आपको जो बिल्कुल सेम मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको जो चीज़ें सेम मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो 3D के अंदर यहाँ पर आपको जो स्वराज की बैजिंग मिल जाती है सिंपल मॉडल के अंदर, यहाँ पर आपको जो है इस स्टेयरिंग के अंदर ही है ना वो बैजिंग मिल जाती है, 3D नहीं है ये, आपको जो 3D क्रोम के अंदर, ये क्रोम नहीं है सॉरी, गोल्डन कलर के अंदर ही आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये डबल क्लच के अंदर आता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाती है, और ऑलवेज डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये हैंड ब्रेक हो गया इसका। और शाम हो गई भाई, अभी आया था एजेंसी पर, अभी वीडियो बनानी स्टार्ट करती, क्योंकि भाई मैं काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रैक्टर को आए हुए। यहाँ पर आपको जो 5-स्टार की बैजिंग मिल जाती है, और अब चेक करा देता हूँ मैं इसकी आवाज़, टर्निंग रेडियस देखो ट्रैक्टर का,
नीचे से आवाज़ चेक करो, आवाज़ आपको जो वही के वही मिल जाती है, वाइब्रेशन वगैरह चेक कर लो तो वाइब्रेशन तो मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर, बाकी शो वगैरह के अंदर नहीं है, जो है ना वो मडगार्ड के अंदर ही है। अब कर देते इसको बंद, तो आवाज़ आपको ऐसी कुछ मिल जाती है ट्रैक्टर की। और भाई सभी वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि स्वराज ने अच्छा काम कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया, भाई 50 साल की सेलिब्रेशन की है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर देते। चलो शटल गियर के अंदर लॉन्च कर दिया, बढ़िया बात है, लेकिन भाई इस मॉडल को भी थोड़ा जो अच्छे से लॉन्च करते ना काफ़ी बढ़िया लगता, बस गोल्डन कलर दे दिया। सब कह रहे हैं कि बढ़िया कर दिया, क्या बढ़िया कर दिया भाई, ये कोई कलर है, ट्रैक्टर को अजीब सा ही बना दिया। बाकी एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं, यहाँ पर आपको जो ऊपर शो के ऊपर ये टेप दे देते हैं, यहाँ पर ये ग्राफिक भी ठीक ठाक है, यहाँ पर आपको जो ये बैजिंग भी ठीक मिल जाती है, बाकी एक दो फीचर्स और ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन भाई नहीं, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कर देते, एक दो फीचर्स और ऐड ऑन कर देते बढ़िया रहता, लेकिन भाई ये गोल्डन गोल्डन बस प्राइस बढ़ाने भाई फ्री में कंपनी को, और कुछ नहीं है, बस किसानों को लूटना है। और भाई प्रमोशन के लिए हो ही जाते हैं सभी खड़े कि ट्रैक्टर के अंदर बहुत अच्छा ये दे दिया, बहुत अच्छा ये दे दिया, ये कर दिया, भाई कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया, पहले वाली चीज़ें मिलती है, कोई बिल्ड क्वालिटी कोई कम या ज़्यादा नहीं कि ये बिल्ड क्वालिटी हो, वही कि भाई आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, मटकार्ड मैंने आपको जो दिखाई दिया कैसे हिल रही है, भाई सभी के सभी ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जो जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ कि ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ ऐड ऑन हुआ है, भाई पहले वाला मॉडल मिल जाता है बिल्कुल आपको जो सेम टू सेम, कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं हुई है, बस यहाँ पर आपको जो है भाई आपको जो गोल्डन कलर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और कुछ नहीं है, बस ये दिए और प्राइस बढ़ा दिया भाई, 9,20,000 रुपये या 10,000 रुपये के तकरीबन आपको ऑन रोड मिलेगा। वैसे मैंने जो है 855 का डिटेल रिव्यू बना रखा है, बस ये गोल्डन कलर के अंदर आया था, ये इसे देखने के लिए आ गया कि कैसा कुछ जो ट्रैक्टर, इसकी वीडियो भी शूट कर लेंगे। तो चलो ठीक है, वैसे ट्रैक्टर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना, भाई मेरी बात करो ना पर्सनली तो उतना कुछ खास नहीं लगा यार, क्या ही कर दिया, वाइट कलर के अंदर अच्छा भला लग रहा था ट्रैक्टर, लेकिन ये कर दिया मेहंदी कलर का, लेकिन चलो ठीक है, कईयों को जो पसंद आ सकता है तो पसंद आएगा तो बढ़िया बात है, बाकी भाई मुझे खास करके उतना खास नहीं लगा, और भाई प्राइस भी बढ़ा दिया, और ना तो भाई प्राइस तो कम से कम वही रख देते, क्या किया है आपने, बस ऊपर से ये रंग ही तो किया है और क्या कर दिया, बस प्राइस बढ़ा दिया, यही था ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।